मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की को शादी के मंडप से रिहा कराया है, जहां नाबालिग लड़की की शादी एक 21 साल के लड़के से हो रही थी। कस्तूरबा पुलिस बाल विवाह रोकथाम कायदे के अनुसार कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को चाइल्ड सुधार गृह में भेज दिया है। आज सुबह मुझे पुलिस स्टेशन में एक एनजीओ की ओर से दीपक काली नाम का एक इंसान ऑफिसर उसके टीम के साथ आया और उन्होंने खबर दिया कि सर आपके इलाके में एक हॉल में एक अल्पवयस्क छोटी लड़की का विवाह होने जा रहा है। तो मैंने तुरंत हमारी टीम को वहाँ भेजा, इंक्वायरी किया तो सही में एक 16 साल की लड़की का विवाह 21 साल के लड़के के साथ होने जा रहा था। और मैं वो टीम का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही समय पर मुझे सूचित किया और ये शादी होने से बच गया। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इसमें? देखो, पहली बात तो ये कि विवाह तो नहीं होने दिया, लेकिन मुझे लगा कि लड़की को कुछ खतरा हो सकता है, कुछ समय के लिए उन्हें मैं शेल्टर होम में रखा है सेफ्टी के लिए, और कल सुबह उनको मैं काउंसिलिंग के लिए हमारे बाल कल्याण समिति के सामने खड़ा करूंगा या भेज दूंगा। उनके भेजने का प्रबंध मैंने किया है और सही काउंसिलिंग होने के बाद और आगे का निर्णय लिया जाएगा। इससे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों को कि सम्माननीय न्यायालय ने कुछ सोच के ये उम्र की मर्यादा दिया है, निर्बंध दिया है, तो हमें वो उम्र का 18 साल का होने का इंतजार करना चाहिए। बाल विवाह करना मना है, अगर न्यायालय बोलता है, समाज बोलता है, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची तन से, मन से, बुद्धि से सुदृढ़ होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, और वो होती है 18 साल के बाद। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाल विवाह ना करें। धन्यवाद। दरअसल कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अहवाद को सीसीडीटी चाइल्ड लाइन 1098 संस्था से जुड़े दीपक काले से जानकारी मिली थी कि एक शादी के हॉल में बाल विवाह किया जा रहा है, जहां पुलिस मौके पर पहुंच गई और शादी रुकवा दी। पुलिस ने दूल्हे और दुल्हन को हिरासत में ले लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा उस शहर में आयोजित की गई जिसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित शहर में शुमार है, और वो शहर है हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।